नया भारत बनाने की दिशा में काम कर रही है सरकार। दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति का अभिभाषण। कहा, नए भारत में भ्रष्टाचार के लिए जगह नहीं। एनडीए सरकार की उपलब्धियों, नीतियों और कार्यक्रमों का किया जिक्र। आगामी लोकसभा चुनाव 21वीं सदी के नए सशक्त और समृद्ध भारत के लिए निर्णायक। अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति ने कहा, किसानों की आय दुगना करने की कोशिश जारी। गरीबों को आरक्षण को बताया ऐतिहासिक फैसला। सर्जिकल स्ट्राइक, नोटबंदी और जीएसटी का भी किया जिक्र। राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रति सभा पटल पर रखे जाने के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। राज्यसभा में दिवंगत पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को भी दी गई श्रद्धांजलि। सर्वदलीय बैठक के बाद सभापति ने सदन के सुचारू संचालन की जताई उम्मीद। सरकार ने भी दोपहर 3 बजे बुलाई सर्वदलीय बैठक। बजट सत्र के लिए सुचारू संचालन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विपक्षी दलों को सलाह। का संसदीय गतिविधियों को बारीकी से देखती है जनता। सरकार सभी मुद्दों पर बहस के लिए तैयार। कल पेश होगा अंतरिम बजट। और हरियाणा के जींद विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार आगे, कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला पीछे। राजस्थान के रामगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस की जीत।